हे गाइज, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के लगभग 6:30 बज रहे हैं। तो अभी हम आए हैं रेस लगा के, हमारे साथ चचू भी बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो गए हैं। तो अभी यहाँ पे जस्ट रेस्ट कर रहे हैं और ट्यूबवेल की कुंडी पर। तो सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और देखते हैं इस ब्लॉग में क्या होता है। थोड़ा सा हमारा चेहरा कुछ अलग प्रकार का हो गया है आज, तो देखते हैं क्या होता है, बने रहिए इस ब्लॉग में। तो गाइज, अभी हम जा रहे हैं घर। हमारे पीछे आप देख सकते हैं उर्द लगे हैं और बहुत सारा फील्ड खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम बीच में से जाते हैं, आए थे हम उधर से, उस साइड से रोड से, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से बीच से जाते हैं, यानी कि खेतों के बीच से बीच जाते हैं। तो शॉर्ट पड़ जाता है हमारे लिए और अच्छा भी लगता है, खेतों में घूमना अच्छा लगता है। और इधर से हम आते हैं और सीधे ऐसे रोड पर लगभग 3-4 किलोमीटर दूर घूम कर हम यहाँ तक आकर पूरे 360 डिग्री पे आके हम वहाँ तक रेस लगाते हैं। टारगेट रहता है 10 किलोमीटर का। तो दोस्तों, अभी आ चुके हैं हम घर। यहाँ पे जसन, हाँ बेटा जसन, हाय कर दो, हाय करो जल्दी, हाय करो जल्दी, हाय। जसन खेल रही है यहाँ पे और अभी थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी मैं खा रहा हूँ सेमिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं बॉक्स से आया, आरती इसे बना रही थी और मुझे उसने दे दी। वैसे तो ये सेमिया रक्षाबंधन के त्यौहार पे बनती हैं और मेरे हिसाब से सारे सारे ही देश में बनती होंगी ये सेमिया। तो अभी इसे खा लेते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। स्वाद तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था, सुबह सुबह आनंद आ गया सेमिया खा के। तो दोस्तों, अभी लगभग 10 बज रहे हैं और अभी मुझे जाना है सहसमान पापा की दवाई लेने। तो अभी नहा धो के रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं क्या होता है आगे। तो फाइनली दोस्तों, मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। तो अभी मुझे निकालनी है अपनी बाइक और चलते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूं हमारे पास के ही सरकारी अस्पताल यानी कि बिलसी में, और यहां पे आप पीछे देख सकते हैं सामुदायिक केंद्र बिलसी, और यहीं पे हमारे जो चच्चू हैं दरअसल वैक्सीन लगवाने गए हैं, तो उनका ही मैं वेट कर रहा हूं। जैसे ही वो आते हैं उसके बाद चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। तो चच्चू भी आ चुके हैं वैक्सीन लगवा के, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी खुश हैं वैक्सीन लगवाने के बाद, और साइकिल को खड़ा करेंगे कहीं पर, उसके बाद इनको भी साथ में ले कर चलते हैं। ये है अमंदर भाई साहब का अस्पताल। यार साइकिल खड़ी करनी है यार, बाबा की हम सहसमान जा रहे हैं, साइकिल खड़ी करेंगे ना, साइकिल लगवा दो, वो पलंग खड़ी कर दो बात कर दो। तो अभी हम बिलसी से निकल चुके हैं, यहाँ पे है भूदेवी वासना इंटर कॉलेज, यहीं पे काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है इसमें, लेकिन मैं इसमें नहीं पढ़ा हूँ, मैं महेश बाल विद्या मंदिर में पढ़ा हूँ, वो पीछे पढ़ता है। यहाँ से ही दिल्ली को और हर जगह को बस आपको अवेलेबल हो जाती है, ज़्यादातर दिल्ली के लिए बस जाती है, क्योंकि तो यहाँ पे जो 4 लाइन रोड हो चुका है तो यहाँ पर चेकिंग वगैरह भी बहुत होती है। सामने आप देख सकते हैं 4 लाइन हो चुका है पूरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, पूरा खोल दिल खोल कर चलाओ मोटरसाइकिल, कोई टेंशन नहीं है, आराम से कितने भी भगाओ और कुछ भी करो। हम आ चुके हैं सहसवान में और अभी हमें जाना है रामनिवास डॉक्टर साहब के अस्पताल, यहाँ से है ये रास्ता। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं डॉक्टर रामनिवास गुप्ता हॉस्पिटल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो यहीं से हमें दवाई लेनी है, तो अंदर चलते हैं और दवाई लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हमने दवाई तो ले ली है, काफ़ी अंदर भीड़ थी तो लगभग 1 से 2 घंटा यहाँ पर लग गया हमें। तो अभी चलते हैं घर और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो रास्ते में कहीं पानी पियेंगे। तो दोस्तों, अभी हम सहसवान से निकल चुके हैं और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो कहीं नल मिलेगा तो वहाँ पानी पियेंगे हम।
एक नल है लेकिन पता नहीं वो पानी दे रहा है नहीं दे रहा, शायद पानी दे रहा है तो रुक जाते हैं। यहाँ पे एक नल दिखाई दिया है और काफ़ी ठंडक भी है, तो देख लेते हैं यहीं पे, अगर वो पानी दे रहा होगा तो पानी पियेंगे। दे रहा चाचू नल पानी दे रहा है? अच्छा, काफ़ी ऊंचाई है यहाँ पे, आप मुझे लग रहा है पीरों की कोई जगह है। पानी नल दे रहा है भाई, तो हम लाए हैं एक फल लेकर आए हैं भाई, सेब। यहाँ पे काफ़ी प्यास लग रही थी तो मैंने सोचा अगर नल नहीं मिलेगा कहीं तो सेब का सेवन करेंगे जिससे कि प्यास कम लगेगी। तो हमारे चच्चू यहाँ पे पानी पी रहे हैं और मैं भी यहाँ पे पानी पीऊँगा अभी, और इस सेब को धोऊँगा और उसके बाद यहाँ पे पानी पीऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक कब्रिस्तान है, तो अब आगे कहीं देखते हैं पानी पीते हैं। मेरा मन, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पानी मुझे विशेष करके पानी नहीं पीना है लेकिन फल को खाना है। तो कहीं और कहीं देख लेते हैं, वहाँ पे धोएंगे इस फल को, सेब लेकर आए हैं दरअसल इसमें, तो वहाँ पे खाएंगे, इससे मेरी प्यास थोड़ी घट जाएगी। तो फाइनली दोस्तों अभी घर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी रास्ते में, मैंने आपको बताया था कहीं भी मैंने पानी नहीं पिया, सेब खाया था उसी से थोड़ा सा रिलीफ मिल गया था गले को। तो यहाँ आके मैंने गर्म पानी पिया है तो थोड़ा आराम मिला है। तो यहाँ पे जशन क्या कर, जशन हाय कर दो, किस भी कर देते हो आप? हाँ क्या ऐसे कर देते हो? हाँ क्या कह रहे हो? अच्छा तो अभी देखते हैं क्या करते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी दबाएं ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।